पाल साहब तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो भाई? एक पुलिस कर्मी और खड़ा करो उधर। अच्छा आओ साथ बढ़ जाओ यार, समय तुम ही करा लो, ऐसे लो तुम इनके साथ ही आ गया। हां बस अभी तो कह रहा मैं यार है। अब वो जो टोपी वाला था वो कौन था तुम्हारे पास? ये इधर दिख नहीं रहा था, जैसे किसी कल नहीं दिखी। अब तो सारे एक जैसे दिखाई दे रहे मुझे। हम नौकर कौन सा वाला वो देने वाला? ये तो वीडियो में दिख ही रहा था पहले से ही कि ये सब पुलिस ने बहुत मेहनत की, पुलिस ने पूरी रात दिन रात लगी रही। कल उनको लीड मिली, कहीं से लीड मिल रही थी, आरोपी को उन्होंने बिठाया हुआ था। कल रात के बाद उन्होंने आज सुबह रामपुर चौराहे रामपुरी गेट पे दो लोगों को जाते हुए पकड़ा मोटरसाइकिल पर, जिसमें एक तो अभिषेक था और एक उसका रिश्तेदार लक्की था। अभिषेक के हाथ में बैग था, लक्की मोटरसाइकिल चला रहा था। पुलिस ने हमें 10 बजे फ़ोन करके पुलिस से बुलाया, हमने माल को दिखाया, माल हमने देखा, हमारी 46 चैनें पूरी ओरिजिनल कंडीशन में, उनकी दुकान की टैग लगी हुई थी उसके अंदर, और कांटे में हमें जब बुला के थाने में वजन चेक कराया, सबका वजन पूरा मिला, किसी भी चेन में कोई कमी नहीं थी। उसमें जो हमारा पर्चा पड़ा था वो भी था, और पुलिस ने बड़ी तत्परता से करते करते हुए अपने बुक बिल्ड लगाकर उस कार्य की घटना को सफल करने में अंजाम दिया। सबका आपका पत्रकार बंधुओं का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। देखिए आप लोगों ने इतनी तनबंदा से लग के रात दिन छापा, पकड़े गए चोरों में क्या आपकी दुकान का भी कोई कर्मचारी था? पकड़े गए चोरों में कुछ कर्मचारी दुकान के शामिल थे, जिसमें जिसमें एक लड़का जो अभिषेक था, अभिषेक ने सारा प्लानिंग ये अपना बनाया। उसने प्लान लड़के को बताया जो अपना रिश्तेदार था, उसको बताया कि आखिरी में वो आके बैठेगा, आखिरी कोने की सीट उसे खाली मिलेगी, वो उसको चैन दिखाना शुरू करेगा। उसके बाद चैन दिखाते दिखाते वो पीछे दो डब्बे ला के रखेगा, उनमें से एक डब्बा उसको चुरा के जाना है। उस डब्बे को वो एक थैले में डाला, उसको अभिषेक ने पहले से ही एक दुकान का थैला, हमारी दुकान का जो थैला होता है जिसमें सामान देते हैं, वो दिया हुआ था। उस जो लड़का लक्की चोरी करके गया है, वो सारा रास्ता भी उस अभिषेक ने ही बताया है। वो लड़का आया उस दुकान के अंदर, घुसा, उसने कैप लगा रखा है, मास्क लगा रखा था कि उसकी पहचान ना बने। उसने 2 लाख रुपए की चोरी थी, आज इसका खुलासा किया गया, आपके द्वारा भी इनाम की घोषणा की गई थी। हमारे द्वारा 2.5 लाख रुपए इनाम की घोषणा की गई थी। वो कल ही कम साहब से टाइम लेकर कल एक मान सम्मान कार्यक्रम रखेंगे, उसमें सब पत्रकार बंधुओं को, सब पुलिस अधिकारियों को, सब SOG को, सबको आना है। उसमें उस इनाम का कप्तान साहब के हवाले कर दिया जाएगा, वो उसको जिस रूप में चाहे उस रूप में वो अपनी पुलिस टीम को वितरित करें। क्या आप इस चोरी के खुलासे संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, सामान पूरा का पूरा बरामद है, मैं टैग के। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा ये थोड़ा थोड़ा हो ये तो आप नए कैमरे के फ्रेम में तो इवेंचुअली सारी चीजों पे हमारे टीम ने काम किया है, ये दोनों ही करता है और इनसे फिर पूरा जो आपका सामान है 100% उनकी रिकवरी हुई है और कुल अभी तक हमारे बताया इसमें 2 लोग और टोटल 4 अभी तक की शर्ट पहनता है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि मतलब कैसे इसने अपने
आपको पूरा सिस्टम से पहले उन्होंने प्लान किया, फिर ये चेक्स की शर्ट पहन के वहाँ पे इस रिश्ते में क्या कहते हैं उनके भैया थे उसके कोई बच्चा भी आया था किया गया है। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये 6 नवंबर को जनपद मुजफ्फरनगर के सिटी एरिया में रामकौर ज्वेलर्स के यहाँ एक चोरी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो उनका यहाँ ग्राहक बन के आया था उसके द्वारा उनकी ज्वेलरी को चुरा के अपने बैग में डाल के वो ले गया था, जिसमें जो कुल ज्वेलरी का लागत थी वो बेसिकली 76 लाख रुपए की लागत थी। उसमें 6 नवंबर के बाद से लगातार जनपद मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी, सीओ सिटी, एसएचओ कोतवाली और एसओजी की टीम्स लगातार लगी हुई थी, और इसमें आज हमारी टीम ने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। 100% ओरिजिनल माल पूरा 76 लाख का रिकवर हुआ है। उसके अलावा चारों अपराधी पकड़ लिए गए हैं, उसमें जिसमें एक व्यक्ति वो है जिसने घटना करी है, जो चोर बन के, जो बेसिकली ग्राहक बन के इनकी दुकान पे आया और फिर उस बॉक्स को चुरा के ले गया। उसके अलावा एक मुख्य अभियुक्त इनका एम्प्लॉई है, अभिषेक नाम का व्यक्ति, जो वहीं पे उसी काउंटर पे सेल्समैन के रूप में खड़ा रहा और उसने पूरी प्लानिंग के साथ इससे चोरी करवाई ताकि किसी की नज़र ना जाए और वो बैग जो बॉक्स है उसको वो चुपचाप लेके जा सके। इसके अलावा दो और एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने पूर्व में भी इस तरह की प्लानिंग की थी और घटना के बाद वो ये जानते थे और उन्होंने जो ये सेल्समैन है उसको कहा भी कि भाई हमें भी इसमें शेयर चाहिए, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। तो पूरी घटना को वर्कआउट करते हुए चारों अपराधी जो शामिल थे उनको अरेस्ट किया गया और जो माल था वो 100% माल रिकवर किया। सर, चोर बड़े साकिर बनने से निकला, किस तरह से पुलिस चोर तक पहुंची? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इसमें पुलिस की टीम को भी लगातार कई एंगल्स पर कई तरह से मेहनत करनी पड़ी। इसमें जो वहाँ पर चोरी हुई है उस समय भी बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करा गया, क्योंकि वो जो सेल्समैन था उसने भी बड़े चालाकी से लगातार घटना करवाई, उसके बाद वो मौजूद रहा ताकि उस पर कोई शक ना हो, और उसने ऐसा ढोंग भी किया कि जैसे वो पुलिस की मदद कर रहा है लगातार, और जो अन्य सेल्समैन थे वो भी इसी प्रकार करते रहे कि जैसे कि पुलिस की मदद कर रहे हों, सीसीटीवी कैमरा दिखवा रहे हैं, अपने तरफ से इनपुट दे रहे हैं ताकि पुलिस को उनके ऊपर शक न जाए। उसके बाद जो चोर है वो भी अपनी रिश्तेदारी में जाता है, वहाँ कपड़े बदलता है, फिर एक बच्चे को टॉफ़ी खिलाने के बहाने बाहर लेके जाता है ताकि अगर कोई उसको ट्रैक भी कर रहा होगा कैमरों से तो वो ट्रेल ख़त्म हो जाएगी और वो बिल्कुल अलग तरीके से जा पाएगा। बट लगातार टीम्स इसमें लगी रही और सारी चीज़ों को मिला के बहुत अलग अलग मैनुअल और अन्य चीज़ों पे इनपुट पे लगातार काम करने के बाद 10 दिन बाद, लेकिन 10 दिन लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 100% माल और सारे अपराधी इसमें गिरफ्तार। देखिए, इस टीम के लिए एडीजी मेरिट जोन सर की तरफ से 25,000 रुपये इनाम की घोषणा। सर, सीसीटीवी कैमरों की कितनी अहमियत मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि सीसीटीवी कैमरे आज के नहीं है, सीसीटीवी कैमरे हमेशा से रहते हैं। मेरा मानना है कि जो भी पुलिस की टीम ने काम किया वो मैनुअल काम है, क्योंकि कैमरा केवल आपको फुटेज दे सकता है, लेकिन और एक कैमरे की फुटेज से आप कभी भी घटना को वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। आपको कई 100 कैमरे देखने पड़ते हैं, उनको कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैनुअली उस पर काम करना पड़ता है। क्यों, और ऐसा भी नहीं है कि अभी हमारे कैमरेज इतने ज़्यादा अच्छे हों कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो आपको फेशियल रिकग्निशन दे सकते हों। तो मैं ये मानूंगा कि वो एक हेल्प ज़रूर है, लेकिन 90% इसमें जो पुलिस की टीम है उसकी मेहनत और उसकी लगन है। थैंक यू सो मच।